में कहा उन्होंने, देश के लिए मरा तो कांग्रेस से कौन मरा, देश के लिए मरा तो कांग्रेस से मरा कौन मरा, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी। अब चिड़ावा में भी उपलब्ध हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सेवाएं जयपुर के नव इंपीरियल हॉस्पिटल के विशेषज्ञों द्वारा, जहां आपको मिलेगी 3D तकनीक द्वारा घुटनों की सर्जरी और मोटापे से परेशान पेशेंट्स के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी की सुविधाएं। विख्यात जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन गुप्ता एवं एडवांस लेप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर महेश जांगीर द्वारा। राजस्थान के झुंझुनू जिले में बसे चिरावा शहर में स्थित नवीन मार्बल्स पिछले कई सालों से हाई क्वालिटी और ब्रांडेड हार्डवेयर एवं बिल्डिंग मटेरियल प्रदान करने में कार्यरत हैं। कंपनी की शुरुआत सन 1990 में फाउंडर श्री महेंद्र सिंह धनकर ने की और शुरुआत से ही ये सुनिश्चित किया कि ग्राहकों को केवल उत्तम क्वालिटी का ब्रांडेड मटेरियल ही प्रदान करें। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं शिवनगर टाइम्स। अब बिल्कुल आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें। बिल्कुल यही एक हम आपसे विनती करते हैं कि वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। बिल्कुल दोस्तों, चिड़ावा शहर में चिड़ावा की प्रधान जो है इंदिरा सिंह डूडी, आज उनकी फिर से चर्चा करेंगे। कुछ महीनों पहले उन्होंने एक विवादित बयान दिया था जिसके बाद उनके झुंझुनू जिले भर में पुतले फूके गए थे। बिल्कुल विवादित बयान दिया था उस वक्त उन्होंने, और आज फिर से उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा है, तो वो आपको सुनाएंगे। रुको जरा, थोड़ा वेट करो, थोड़ा इंतजार कीजिए, पूरी बात सुनिए। अभी अक्सर हमने देखा है कि प्रधान इंदिरा सिंह डूडी या फिर अन्य जनप्रतिनिधि जो है वो जब उनके पीछे आसपास या मंत्री रहते हैं या फिर उनके साथ वो मंच साझा करते हैं, तब वो तारीफों के पुल बांधने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान नहीं रहता कि आंधी आ रही है या तूफान आ रहा है या हमारे सामने माइक जो है वो बंद हो चुका है, कुछ पता नहीं रहता उन्हें, कुछ होश नहीं रहता। यही वजह है कि नेताओं की जवान जो है ज़्यादा करके इसी वजह के साथ फिसलती है। बिल्कुल आज तो हद ही कर दी प्रधान इंदिरा सिंह डूडी ने। उन्होंने झुंझुनू जिले में परिवहन सड़क मंत्री बिजेंद्र सिंह ओला को सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी बता दिया झुंझुनू जिले के क्षेत्रवासियों के लिए, या फिर यूं कहें कि जिस प्रोग्राम में आज वो गिडानिया में जो शामिल थी, मंच पर जब भाषण दे रही थी उस वक्त। चलिए पहले बता देता हूं कि आज क्या कार्यक्रम था। चिड़ावा के नज़दीकी गांव गिडानिया के अंदर खेल स्टेडियम का शिलान्यास होना था, उसी का कार्यक्रम था। उस वक्त उस मंच पर परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला वहां पर मौजूद थे, अन्य जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे और ग्रामीण तो जैसे होने ही थे वहां पर। तब उन्होंने मंच पर मंच साझा करते हुए जब उनकी स्पीच का समय आया, जब वो भाषण दे रही थी, तब उन्होंने कहा कि क्या आप लोगों ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, क्या आप लोगों ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। कुछ लोगों ने मन ही मन तो सोचा ही होगा, जवाब नहीं दिया हुआ तो नहीं, बिल्कुल ऑफिशियली जवाब तो यही आएगा, नहीं का ही जवाब आएगा। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो नरेंद्र मोदी भी विजेंद्र सिंह ओला ही है, सोनिया गांधी भी विजेंद्र सिंह ओला ही है। बिल्कुल ये उन्होंने बड़ा बयान दिया है और आज इसके साथ में ही उनकी जबान जो है फिसली भी है। इस बीच उन्होंने कहा, मंच साझा करते हुए अपने भाषण में कहा उन्होंने, देश के लिए मरा तो कांग्रेस से कौन मरा, देश के लिए मरा तो कांग्रेस से मरा कौन मरा, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, ये उनके जवान थे, ये उनके बोल थे आज। बिल्कुल आपको सुनाएंगे, इस पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पूरी घटना जो है, पूरा विवरण जो है, पूरा बयान जो है, वो पूरा भाषण जो है वो आपको सुनाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको बता देता हूँ कि जब जब नेता लोग जब भाषण देते हैं तब उन्हें अपनी जुबान पर ध्यान रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल वो एक मर्यादित जगह पर खड़े रहते हैं, उनको हजारों लोग सुनते हैं, सैकड़ों लोग सुनते हैं उनको, लाखों लोग सुनते हैं उनको, और वो एक जनप्रतिनिधि है, वो एक शहर, एक गांव, एक जिले को संबोधित कर रहे होते हैं, तो उन्हें अपनी जुबान को कंट्रोल करना चाहिए। और ये तो बिल्कुल भी नहीं ध्यान में रखना चाहिए कि बड़ाई या फिर तारीफ जिसकी हो रही है वो यहाँ पर मौजूद है या नहीं, उसके पुल बांधने हैं या नहीं। अगर पुल बांधने हैं तो लिमिट से बांधे, क्योंकि उस पुल बांधने के चक्कर चक्कर में जबान फिसल जाती है। अपन ये भी कह सकते हैं कि प्रधान इंदिरा सिंह डूडी ही क्या,
बड़े बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री या फिर विपक्ष की पार्टी में जो भी नेता लोग हैं, काफ़ी लोगों की जो है जबान फिसल जाती है। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि इस तरह आपकी जबान फिसलती रहेंगी तब आगे आप लोगों को क्या संदेश दे पाएंगे। आपने तो ये तक कह दिया कि आपके लिए तो यही, हमारे लिए भी यही सोनिया गांधी है, यही नरेंद्र मोदी है। तो ये बड़ा बयान है, छोटी बात नहीं है। और वीडियो के अंत तक बने रहिए, आगे देखिए। देखिए अभी आपको सुनाते हैं कि क्या कहा। देश के लिए मरा तो कौन मरा, देखिए। ये बीजेपी वाले, मैं आपको कहती हूँ, रोज ये रुपये घूमते हैं और ये बड़े बड़े बातें और झांसे देते हैं। मैं मेरे भाइयों से पूछती हूँ, कभी आपका मोदी जी से संपर्क हुआ है क्या? मिले हो क्या आप मोदी जी से कभी? अपने मोदी जी तो मानो, अच्छा सोनिया जी मानो, ये तो ब्रजेंद्र जी ओला बैठे हैं। ये अपने लिए तो कुछ लाएंगे वो यही लाएंगे। बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश के लिए मरा है तो कांग्रेस का नेता मरा है। चाहे आप जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी को ले लीजिए, चाहे इंदिरा जी को ले लिए, चाहे आप राहुल जी को ले लीजिए, राजीव जी को ले लीजिए, और चाहे आज राहुल जी को ले लीजिए, जो हाथ से हाथ मिलाने की यात्रा इतने रईस परिवार में पला हुआ जो इंसान और 20 किलोमीटर पैदल चल रहा है, मोदी जी 5 किलोमीटर तो चल के दिखाइए। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। बीजेपी वालों का मैं कह रही हूँ, देश के लिए एक नाखून भी कटा हो तो साबित कर दीजिए। और कांग्रेस सरकार ने अनेक बलिदान दिए हैं देश के लिए, आजादी से लेके आज दिन तक देश का और गरीब का सोचा है तो इस कांग्रेस सरकार ने सोचा है। और अपने जिले की कांग्रेस सरकार है तो वो ओला परिवार है। तो ये एक बड़ा मामला है। आज चुनावा प्रधान इंदिरा सिंह डूडी की जबान फिसली तो इस तरह से फिसली कि उन्होंने राहुल गांधी को देश के लिए मरने तक की बात कह दी। और इसके साथ साथ उन्होंने झुंझुनू में कांग्रेस को ओला परिवार की बपोती तक बता डाली। पूरी बात जो है आपको इस वीडियो में समझ में आ गई होगी। और अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए शिवनगर टाइम्स। फिर मिलेंगे एक नई पेशकश, नए मुद्दे के साथ। बने रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आपको बता देता हूँ कि जल्द ही आपके लिए कुछ ना कुछ नया और चटपटा लेकर आते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए शिवनगर टाइम्स।